भाई हमारी ट्रेन खड़ी रह गई यहाँ पे, तीन ट्रेन ने क्रॉसिंग मार चुका है भैया, सब गर्मी की वजह से भाई। भाई 7 से 8 ट्रेन इसको क्रॉस कर चुकी है, फिर भी भाई ये मानने को तैयार नहीं है। और भाई ऐसे वैसे तापमान रहेगा, ये सब जितने भी लोग होते हैं आसपास पटरी के सब चोर होते हैं भाई। इसमें छोले के नाम पे आलू का जो छिलका होता है ना, ये देखो भाई वहाँ स्टंटबाजी हो रहा है, देखो ये और हम लोग का कोच भाई ये है, इसी में हम लोग भाई हैंडीकैप वाले में आ रहे हैं। हम लोग सब कुछ सही है, कोई हैंडीकैप नहीं है, देखिए भैया भी सही है। हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग करने वाले हैं जबलपुर से लेके दिल्ली का सफर, और अभी हम फिलहाल हैं जबलपुर रेलवे स्टेशन में, करने वाले हैं जनरल में सफर भाई, क्योंकि स्लीपर का कोई जगह खाली है नहीं। यहाँ पे कबूतर मर गया है भाई यार, बहुत ही दुख की बात है, ये सब भाई पानी की वजह से ऐसा हो रहा है यार। तो गाइस ये जो सफर होने वाला हम लोग का बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि भाई आज जो भीड़ है भाई, भीड़ अलग ही लेवल का, यहाँ पे भीड़ है और ट्रेन देख सकते हैं, कुछ हम लोग की ट्रेन ये खड़ी है और कुछ यात्री यहाँ पे जा रहे हैं अपने हज यात्रा में, जहाँ भी जा रहे हैं आप लोग बैग में देख सकते हो, कुछ ऐसा है भाई। तो गाइस सिटिंग एरिया कुछ यहाँ पे ऐसा है, ट्राई करते हैं। सो गाइस आज का जो मेरा सफर होने वाला है, वो होने वाला है महाकौशल एक्सप्रेस में, जो कि जबलपुर से चलती है हजरत निजामुद्दीन, और ट्रेन नंबर है 12189। पानी देना है, बोतल पानी पानी बोतल दीजिए। सो गाइस अभी सफर बहुत लंबा करना है, तो पानी की बोतल बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे रेल नीर मिल चुका है हमको, जो कि 20 रुपये का है, ठंडा तो बहुत ज़्यादा नहीं है। टोटल डिस्टेंस होने वाला है यहाँ से काफ़ी लंबा डिस्टेंस होने वाला है, तो चलते हैं और बैठते हैं। फिर ट्रेन जो है डिपार्च कर चुकी है यहाँ से, चलो भाई चलो 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 चलो, जगह तो थोड़ा सा। सो गाइस फाइनली हमारी गाड़ी यहाँ से डिपार्च कर चुकी है, जगह देखिए क्या कुछ ऐसा हाल है भाई, यहाँ हाल बेहाल है। और अभी टोटल हमको दिल्ली तक जाना है, तो दिल्ली तक जाते जाते भाई हालत बिगड़ जाने वाली है हम लोग की, तो कैसा लग रहा है भाई यहाँ पे, मजा आएगा अभी सब? कहाँ तक जाओगे? हम लोग सियोरा तक जाएंगे, सियोरा खाली हो जाएगी। अच्छा सियोरा तक मतलब खाली हो, और लोग भरेंगे भी नहीं? हाँ कम लोग भरेंगे लेकिन। बाय बाय, चलिए चलते हैं अपनी सीट पे। और यहाँ भी भाई जनरल का हाल भाई, हाल भी हाल एकदम। कहाँ तक जाएंगे भाई लोग आप लोग? सब सीहोर तक, मतलब ज़्यादा लोग सीहोर जाएंगे लग रहा है, खाली हो जाएगा वहाँ पे ना, फिर आगे भर भी जाएगा। तो गाइस बैठते हैं सबसे पहले सीट पे, क्योंकि अभी पूरा सफर रात का होने वाला है। और गाइस देख सकते हैं क्या हाल अभी है यहाँ पे, और गर्मी इतना ज़्यादा है भाई कि देखना अभी क्या होने वाला है। आज 16 घंटे की ट्रेन है, मुझे बताना। और गाइस ये देखो भीड़ भाई, ये देखो जनरल की भीड़, क्या भीड़ है भाई देखो। और ये पहला स्टेशन आया है, यहाँ पे देखो लोग उतर रहे हैं सीहोर, इसके बाद जो आगे भीड़ होने वाली हो दमोह सागर वहाँ में होगी। और सॉरी लाइन, उस लाइन से गाड़ी नहीं जाएगी, गाड़ी जाएगी सीधा सतना मैहर झांसी होते हुए जाएगी गाड़ी। और भीड़ देखो भाई क्या भीड़ है, और यहाँ पूरी सीट खाली हो चुकी है, हम लोग सोचा नहीं यहाँ पे सीट भरी रहेगी बट खाली हो गई। सो गाइस उतरते हैं, देखते हैं माहौल बाहर का क्या हाल है, और जितने भी यहाँ भाई लोग हैं सब कोई दिल्ली जाएंगे क्या? भाई लोग दिल्ली जाएंगे, चलिए थोड़ा उतरते हैं और देखते हैं बाहर का नज़ारा क्या है। सो गाइस अभी सीहोर पार किए हैं, और देख सकते हैं कुछ सनसेट का कुछ ऐसा आ रहा है, आ जाओ गाइस 10-5 मिनट थोड़े यहाँ बैठते हैं और यहाँ का मजा लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी जो सफर होने वाला है पूरा नाइट का सफर होने वाला है। और देखो भाई शाम का व्यू यार, क्या सनसेट है, थोड़ा पानी पीते हैं पहले मजे से, हम डक्कन फेंक दे, डक्कन फेंक दे, डक्कन फेंकने से क्या होगा। I'm not afraid of the dark.
का तो शाम हो गया और कुछ नज़ारा ऐसा है, और ज़्यादा मैं हाथ बाहर नहीं निकालूंगा बिकॉज इसलिए क्योंकि यार बहुत पास पास में रोड है, आप देख सकते हैं ये देखो ये गाइज, हम लोग बैठ बैठ के स्टेशन तक से पार कर रहे हैं क्योंकि अभी दिखाने लायक बिल्कुल है नहीं, क्योंकि रात हो चुका है और कुछ देर में हम लोग सो भी जाएंगे क्योंकि यार देखो लेट भी हो रहा है, सुबह तक दिखाएंगे। ये कुछ था स्वाली नंद कुछ स्टेशन था और देखिए रात हो चुका है काफ़ी ज़्यादा और आपको समझ भी नहीं कुछ आएगा तो जो सो गाइज इस ट्रेन में मतलब पेंट्री तो है नहीं, सो बाहर का खाना ये मिला है क्या छोला चावल कुछ ऐसा, और टेस्ट करते हैं छोला चावल है कैसा। मेरे हिसाब से अच्छा तो नहीं होगा, मैं बोला था अंडा चावल लेने के लिए पर सो गाइस ट्राई करते हैं ये छोला चावल कैसा है और रिव्यू बताते हैं आपको ट्रेन में मतलब कैसा आपको खाना मिल सकता है। और ये है कितने का, ये कितने का है, 50 का है 80 का नहीं है, साला झूठ बोल रहा है भाज रहा है, अंडा चावल 80 का मिलता है, ये छोला चावल 50 का है। तो ट्राई करते हैं, इसके साथ एक स्पून मिला है ये देख सकते हो आप, और देखते हैं आज कैसा चावल छोला चावल मिलता है ट्रेन में खाने। ट्राई करते हैं छोले चावल के पैर डालते हैं, ये पूरा पानी पानी दिया है पहली बार तो ये हो गया, आलू सड़ा सड़ा दिया है इसमें, आलू जो है देखो पूरा भाई छिला नहीं है। वाह वाह क्या टेस्ट है गाइस, मैं आपको जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ, जेन्युइन मैं 10 में इसको 1% भी देता, इतना बेकार खाना बना है, इतना बेकार है भाई क्या ही बोलो। मैं आपको दिखाता हूँ क्लोज से, देखो ये छोले चावल है भाई, देखो ये छोले छोला इसमें, ए छोला चावल है, ये छोला चावल ना, एक छोला है इसमें, एक छोला आलू का छिलका भाई, इसमें छोले के नाम पे आलू का जो छिलका होता है ना ये हम लोग सर ये हम लोग स्कैम हो रहा है, और नमक इसमें भाई इतना ज़्यादा है ना कि क्या ही बोलो। अगर ये कैंटीन का होता तो मैं शिकायत कर सकता था, बट ये कैंटीन का नहीं है, कैंटीन का नहीं है ना, आउट है ना। तो गाइस वेस्ट ऑफ मनी है, आप लोग कभी भी यार मतलब महाकौशल एक्सप्रेस में अगर आप आते हो बाहर के लोगों से कभी मत देना खाना, खासकर ऐसे लोगों से। मैं रिकॉर्ड नहीं करता उस टाइम, छोटू गया था लेने, वेस्ट ऑफ मनी है भाई, वेस्ट ऑफ मनी। अभी इसको ऐसी बाकी इसको बता देंगे। और भाई अभी रात के बज रहे हैं 11 और देख सकते हैं सवारी आ रही है जा रही है, और ये हम लोग जहाँ बैठे हैं विकलांग का मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे हैंडीकैप लोग बैठते हैं, उधर देखिए अंकल सो रहे हैं नीचे ही सो रहे हैं, और इधर भीड़ देखो कुछ ऐसा है अभी रात के भाई। और भैया कहाँ से हैं आप, कहाँ से हैं आप, बिहार से, आवाज़ लग रहा था आपका, जो कि सो रहे हैं अभी और रात के बज रहे हैं 12 अभी, और देखो पूरे नींद में अभी देखो ईयरफोन लगा के, और उनके फ़ोन में गाना चल रहा है कोई यहाँ पे नीचे चला जाएगा। अरे भैया सो रहे हैं उनका, चलो भाई सही है, पर अंकल का तो सही नहीं है क्या भाई, गलत बोल रहा हूँ, ऐसे चोरी हो सकता है ना। तो अंकल जी क्या कह रहे हैं, हेलो अंकल जी अच्छा बुलाइए ना, बुलाइए हाँ हाँ, मोबाइल अपने जेब में डाल दीजिए, कोई चोरी कर लेगा ऐसे, मोबाइल जेब में डाल लीजिए अपने, कोई खींच लेगा, नहीं बोल रहे भैया ना, वो सो रहे थे अभी, उसको जेब में डाल लीजिए। नहीं तो जेब में डाल के चलाइए अपना। जबलपुर हजरत निजामुद्दीन चलिए थोड़ा कोशिश करता हूँ आपको जनरल डिब्बे का हाल दिखाने का, मतलब अपने तरह से कि क्या है जनरल डिब्बे का हाल। जो हम लोग बैठे थे भाई तो थोड़ा सा हैंडीकैप वाले बैठे थे,
और ये भी जो है डब्बा है, ये हैंडीकैप वाला है, इसमें दो ये छोटा सा है जिसमें लोग बैठे, थोड़ा बड़ा सा है। ठीक है, तो उतरते हैं, आपको दिखाते हैं थोड़ा सा नज़ारा क्या है अभी, क्योंकि दो तीन ट्रेन क्रॉसिंग मार चुके हैं अभी। हम लोग को ट्रेन यहाँ पे है, हम लोग को अभी तक सिग्नल नहीं मिला है। तो कुछ ऐसा भाई है यहाँ पे सिस्टम। भाई हमारी ट्रेन खड़ी रह गई यहाँ पे, तीन ट्रेन ने क्रॉसिंग मार चुका है और अभी शायद और ट्रेन बची है। तो ये कुछ ऐसा हाल है भाई इस ट्रेन का यार। अब ऐसे ही लेट होता है इस लाइन में, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सप्रेस होती है उनको मतलब ज़्यादा महत्व दिया जाता है और जो ये सब ट्रेन होती है उनको नहीं दिया जाता, और वो सब जो है सुपर फास्ट है, राजधानी है, तो ऐसा कुछ शायद हो सकता है। और अभी तक ये पता नहीं चला इस ट्रेन में पैंट्री है कि नहीं है, क्योंकि बाहर का खाना बहुत ज़्यादा बिक रहा है और लोकल पानी जो है बहुत ज़्यादा बिक रहा है, और हर चीज़ जो भी चीज बिक रहा है भाई सब लोकल बिक रहा है यहाँ पे, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो पानी हो। भाई मैं पानी का सब कम से कम 10 से 15 बॉटल पी चुका हूँ, ले चुका हूँ, बट भाई मुझे एक सिर्फ रेल नहीं मिला है, वो जबलपुर रेलवे स्टेशन में, और बाकी जितने भी मिले हैं बिसलेरी और मतलब अदर ब्रांड जो भी कुछ है ऐसे मिल रहे हैं यहाँ पे। तो भाई कुछ ऐसा यहाँ पे चल रहा है, सो आप लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान दो, मतलब आवाज़ उठाओ। खैर मैं क्या है ना, रात के टाइम सफ़र कर रहा था तो कुछ ऐसा हो नहीं पाया कि मैं बोल सकूं, वैसे मौका मिलेगा तो ज़रूर बोलूंगा और विथ रिकॉर्डिंग के साथ साथ, और कंप्लेन भी करूंगा, क्योंकि ऐसा मतलब बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है, आपको नुकसान करेगा पानी ऐसा, लोकल पानी जो होते हैं और भाई उसका रेट भी हाई रहता है इन लोग का। ठीक है, जैसे 15 का रेल नहीं रहता है, बट यहाँ पे इन लोग लोकल पानी 20 का बेचते हैं, वो भी ठंडा पानी रहता है, नॉर्मल रहता है, ऐसा कुछ है। भाई 7 से 8 ट्रेन इसको क्रॉस कर चुकी है, फिर भी भाई ये मानने को तैयार नहीं है, जाने को तैयार ही नहीं है, इसको रहना यहीं पे है, क्योंकि जितनी भी मतलब देखा माल गाड़ी है और भी एक्सप्रेस गाड़ियां हैं, सबको टाइम मिला जाने का, बट इसको नहीं मिल रहा है भाई, पता नहीं क्यों ऐसा क्या है। और पूरे सवारी भाई नीचे उतर के बैठे हैं, कहीं ऐसे बाहर सब कुछ फैले हैं यहाँ पे, और एक खड़ी है वहाँ पे, दिखाते हैं आपको, वो देखो सामने खड़ी एक, और वो ही वेट कर रही है कि कब निकले यहाँ से, इसको सिग्नल मिले तो पहले वो आएगी, इसके बाद अपनी ट्रेन जाएगी। ये हॉर्न तो मार दी भाई, ऐसा हमको लग रहा है कि मेरी ट्रेन जाएगी, चल दी मेरी ट्रेन। ओ भाई फंस गए हम यहाँ पे। तो गाइस अपनी ट्रेन चल दी, मतलब उसको चांस नहीं मिला। और देखिए भाई ये भैया जी झांक रहे हैं यहाँ से, और भैया जी क्या हाल चाल है, ये देखिए स्माइल देखिए भैया की, देखो भाई इनका स्माइल देखो। सो गाइस फाइनली अपनी ट्रेन यहाँ से चल चुकी है, और देखते हैं आगे भी क्या होता है भाई, और आपको दिखाने वाले हैं जहाँ पे डाकू रहते थे वो भी जगह दिखाने वाले हैं आपको, मुरैना विंड में। और ये रहा हमारे ट्रेन का कर, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है अभी भाई, ये देखो यार क्या बात है, ऐसी कर मेरे को बहुत पसंद है, बट इससे अच्छे अच्छे कर होते हैं।
ए बोतल दा हो बाबा बोतल दा वो लाइव तो गाइस 1 घंटे 40 मिनट देरी से हमारी गाड़ी आ चुकी है ग्वालियर जंक्शन जो कि 651 किलोमीटर का दूरी जबलपुर से तय की है और 6:40 में यहाँ पे आ चुकी है और ये रहा ग्वालियर जंक्शन। और ग्वालियर फेमस है अपने मानसिक जो बीमारियाँ होती हैं मतलब दिमाग मेंटल हॉस्पिटल यहाँ पे है और ग्वालियर इस चीज़ के लिए फेमस है और 1 घंटे 40 मिनट की देरी से यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और अभी हम लोग पहुँचना है भाई बहुत टाइम लग जाएगा दिल्ली पहुँचने में कम से कम 11 टाइम दिल्ली का टाइम 11 बजे तो हम लोग पहुँचेंगे दिल्ली मेरे हिसाब से 1 बज जाएंगे मेरे हिसाब से ऐसा। और कुछ भाई जनरल का भीड़ ऐसा था यहाँ पे आप देख सकते हो भाई नाश्ता में क्या है और क्या है चावल पूरी सब्जी है कितने का पूरी सब्जी 50 रुपए का समोसा 20 रुपए दो देखो भाई वहाँ स्टैंड बाजी हो रहा है देखो ये देखो और पैर फंस गया तो फिर गिर जाएंगे दिक्कत हो जाएगा गाइस फाइनली भाई ट्रेन 830 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा करने के बाद आ गई है मथुरा जंक्शन और भाई नींद लग गया था सो गया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है हालत बिगड़ा है पूरा यहाँ पे और ट्रेन हमारी 2 घंटे लेट है 2 घंटे 40 मिनट जो कि दिल्ली में टाइमिंग था पहुँचने का 11 बजे और अभी टाइमिंग दिखा रहा है कि 2 बजे पहुँचेगा ट्रेन देख सकते हो कुछ स्टेशन का लुक ऐसा है यहाँ पे आगे पीछे और हम लोग का कोच भाई ये है इसी में हम लोग भाई हैंडीकैप वाले में आ रहे हैं हम लोग सब कुछ सही है कोई हैंडीकैप नहीं है देखिए भैया भी सही है हम भी सही हैं हम लोग का पैर सब है हाथ वाथ सही है फिर भी उसी में सफ़र कर रहे हैं क्योंकि वही सही है और भाई धूप की बात करें भाई बहुत ज़्यादा है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यहाँ भी है फिर भी अभी टेम्परेचर कम से कम यहाँ होगा कितना होगा भाई कम से कम 43 डिग्री होगा ऐसा होगा ना यहाँ का टेम्परेचर भाई 43 तो कन्फर्म होगा 40 के पार ही जो है और भाई देखो भीड़ ऐसी है इधर भी जनरल है उधर भी जनरल है उधर जनरल पूरा है और भाई ऐसे वैसे सावधान रहिएगा ये सब जितने भी लोग होते हैं आसपास पटरी के सब चोर होते हैं ये आपका मोबाइल ऐसे चोरी करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा देखो चोर ये देखो चोर है देखो यहाँ पे देखो भाई ये देखो सब नहीं होते हैं बट कुछ लोग होते हैं मैं बता रहा हूँ फिर से आपको आप लोग ध्यान दीजिएगा अपने मोबाइल का बहुत ज़्यादा तो चोरी भाई ऐसा होता है कि अब कोई आपको पता भी नहीं चलेगा सन्न चोरी होगा और दिल्ली पहुँच जाएंगे वहाँ तो भाई अलग ही बात है ये देखो मालगाड़ी खड़ी है तो लोग पहुंच गए ओखला जंक्शन बस इसके बाद है जस्ट अपना हजरत निजामुद्दीन एंड देख सकते हो पूरा यहाँ पे ट्रेन का जो स्पीड है स्लो हो चुका है सो गाइस फाइनली हम लोग अराइव कर चुके हैं अपने न्यू दिल्ली नहीं है हजरत निजामुद्दीन है गवार दिल्ली आए ही ना फाइनली 958 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हम लोग पहुंच गए हजरत निज़ामुद्दीन और ये सफ़र भाई बहुत ही खतरनाक था बहुत ही डेंजरस था बहुत ही एडवेंचर वाला था क्योंकि इतना हम लोग मजा लेके आए हाँ मजे भी लिए हैं भाई और देखो ये भैया सब गर्मी की वजह से भाई
पानी दे दो पानी। ये सब गर्मी वेस्ट हो रहा है, सबसे सही सही हो जाएंगे। भिगा दीजिए, भिगा दीजिए उसके ऊपर, भिगा दीजिए। हाँ सही सही हो जाएंगे सर। भाई गर्मी इतना ज़्यादा है कि क्या ही बताऊँ भाई, बहुत ही ज़्यादा बेकार गर्मी है, किसी का कुछ भरोसा नहीं भाई, तो गिर जा रहे हैं भाई। देखो जनरल का ये हाल था भाई, देखो ये देखो, हम लोग तो भाई दिव्यांग वाले हम थे तो हम लोग का कुछ तो आराम था, बस यहाँ देखो भाई चढ़ने के लिए भीड़ लगी है हम लोग। और भाई इस सफर में बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा मजा आया। हाँ भाई जनरल में थे तुम भी, जनरल में थे, कैसा रहा सफर, कहाँ से आ रहे थे? आगरे से। आगरे से, हम लोग तो बहुत दूर से आ रहे हैं भाई, जहाँ से ट्रेन चली है जहाँ तक रुकी है।